धन गुरु नानक जी। लो जी दोस्तों, एक बार आ चुके हैं विक्की ट्रेडर्स के पास। चलिए जान लेंगे आज का इनसे धन गुरु नानक जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर जी, आपने जो समय दिया जी बाबा की कथा के लिए जी। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात जी, लोगों तक आप बात पहुंचाएंगे जी। और दोस्तों, ये दिल्ली हैदराबाद वारंगल मैंगो एसोसिएशन के प्रधान जी भी हैं। चलिए जान लेंगे आज का मुख्य विषय रहेगा बाबा नानक की कथा विक्की ट्रेडर्स के पास जी। लो दोस्तों भाऊजी, आज आपको एक बिल्कुल जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था उस समय की एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाएंगे। बिल्कुल, हाँ जी गुरु। धन गुरु नानक जी, मैं आप सब भाइयों को जो भी वीडियो ये देखता हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये कथा जो है ओरिजिनल है, इसको दिल से लगाने वाली बात है, जो सच्चाई है, जो हमने भी देखी और हमने भी सुनी। हम भी वहीं पर रहने वाले थे। सो मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बाकी हमारे जितने भाई बहन थे वो पाकिस्तान से ही आए थे। तो राणा साहब ने बहुत मेरे को विनती करी, तो आप मेहरबानी करके जो भी ये कथा सुने तो मेहरबानी करके वीडियो स्टार्ट करने से पहले धन गुरु नानक जरूर बोलना। धन गुरु नानक। ऐसा था जी, पाकिस्तान में जब हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का टुकड़ा बना, हिंदुस्तान ने उसको टुकड़ा पाकिस्तान का दिया, तो वहाँ पर जितने ही मुसलमान रहते थे उन मुसलमानों ने काफ़ी गदर मचाया और लोगों को यही बोला गया, चाहे मुल्तानी है, चाहे सिंधी है, चाहे पंजाबी है, चाहे गुजराती है, कोई भी शख्स सरदार है, उन सबको जो है यहाँ नमाज अदा करनी पड़ेगी। अगर आप नमाज अदा नहीं कर सकते तो प्राय मेहरबानी करके आप अपना कहीं पे भी जा सकते हैं। तो कई लोग तो वहाँ से निकलने की कोशिश करी, कई लोग पहले निकल गए, कई लोग निकल नहीं पाए पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में। कारोबार कईयों के दिल भावना ये थी कि मैं यहाँ से ना निकलूं और यहीं रहने की कोशिश करें। तो गुरु की महाराज की ये थी वंदना वहाँ पर। हाँ जी। तो वहाँ पर जो है काफ़ी लोग निकल के आ गए, जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो निकल आए। उसमें काफ़ी टाइम बाद एक जोरावर सिंह, बेटा उसका भोला सिंह और उसकी वाइफ गुरमीत कौर, ये जो है बहुत ही वाहेगुरु को मानने वाले सन, बहुत ही इज्जत वाले, बहुत ही, मैं उन्होंने बारे कुछ नहीं कह सकता, इन्हें सरदार सच्चाई वाले ईमानदार उत्थे काम करते सन, अपना पैसे वाले भी सन, सारा कुछ थे। गुरमीत नूं कहिंदे सन कि भाई इत्थे हुण रहण दा कोई हिसाब किताब नहीं, पर गुरप्रीत सिंह गुरुद्वारे जरूर जाती सी, साफ सफाई करती, सवेरे 4 बजे उठती सी, बहुत सेवा करती सी उत्थे, मतलब झाड़ू बाड़ू लाना, हर एक चीज़ सब कुछ करना। तो एक दिन जिस वेले उहदे पति ने, जोरावर सिंह ने कहा कि भी इत्थे हुण रहण दा नहीं, तो बड़ी रोई। वो कहिंदी नहीं, साडा गुरु इत्थे ही है, वाहिगुरू नूं छड्ड के असीं किहड़े पै जावे, जिहड़ी सज़ा देनी है वाहिगुरू ने इत्थे देनी है, असीं किधरे जाणा नहीं। 2 दिन के बाद उत्थे इन्ना गदर होया, इन्ना गदर होया, कतलेआम होण लगी कि कुड़ियों नूं भी उत्थों चक के लै जा रहे, उहदे कोल बर्दाश्त नहीं होया। आगे सरदार जी ने कहा भाई हुण तुसीं भज्जो, तो उन्होंने कोई पैसा नहीं चक्या, कोई कुछ नहीं चक्या, रेलवे स्टेशन से जोड़े सिक्के पे सन जेब में उ लैके रेलवे स्टेशन से भजे, तो रेलवे स्टेशन से गड्डी जिहड़ी आवे इंडिया की इन्नी भर के आवे, तो बस हालात इन्ने खराब कि जिवें तिवें भी उन्हें अपने पुत्र नूं धक्का दिता, तो अपनी वोटी ने हाथ फड़िया, तो जिवें गड्डी च बिठाया जिवें तिवें वह उस गड्डी च बह के आए, पर उहदी वोटी नूं तसली ना होवे कि मेरा वाहिगुरु छड्डिया गया, मेरा वाहिगुरु छड्डिया गया। पर वो गुरु की लीला सी, वो जिवें तिवें गड्डी चली तो कोई पंजाब उतर गया, कोई अमृतसर उतरिया, कोई कितने भी, मतलब वो उतरते आए लुधियाने उतरे, ऐ अपना गड्डी च बैठे रहने, ऐ बेचारे सोचण असीं जाइए किधर, साडी रिश्तेदारी तो कोई है नहीं, साडी कोई पहचान है नहीं, जिवें तिवें लटकते लटकते इत्थे आ के दिल्ली च सब्जी मंडी स्टेशन से उतरे। हुण उतरन तो बाद वो कहन भी उहदी वोटी कहिंदी असीं किधर पास जाइए, साढ़े कोल तो कुछ पैसा भी नहीं, ना ही इत्थे कोई पहचान, ना कोई, वह कहिंदी जिहड़ा रब सानूं इत्थे तक लिया है तो सानूं रोजी रोटी भी रब देगा, असीं इत्थों हुण चलने आ। तो उहदे कोल सिक्के ही पए सन जेब विच, ते सरदार जी बाहर आए, रेलवे स्टेशन पार करके जिवें आए तो चुराहे ते लाइट का खंभा सी उत्थे बह गए। हुण बेचारे सोचण लगे, वोटी उहदी घड़ी घड़ी कहवे वाहिगुरू सच्चे पातशाह सानूं बचा लई, असीं हुण तेरे सारे आए हाँ, सानू तो इन्ना दूरों इत्थे तक ले आए, तो कुछ ना कुछ तो कारण होना, हुण तू सानू रोजी रोटी का सवाल तेरा ही है, अभी तेरे बिगर असी किधरे जाना नहीं, हुण सानू सारा कुछ तू ही करना है।
थोड़ा टाइम गुजरे तो उत्थे बूंदाबांदी होने लगी। हुण रोड ते बूंदाबांदी होवे ते बच की करन। उन्हें इधर उधर झाकिया ते सामने दो कमरे टुटे हुए ते एक कमरा थोड़ा जिहा ठीक सी ते उह ते बारिश जिस पई ते उह फटाफट ते अपनी थोड़े जे कपड़े सन जिहड़े इन्हां ने लै उह लै के भज्जे अंदर भी गिले हो जाणगे असीं कल की पावांगे। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਖਾਈਏ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਚਲੀਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਦਾਲ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੋੜਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੋਲਿਆ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸੌ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਨੀਆ ਉਤਰਿਆ, ਬੰਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਤੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਲੀ ਛਾਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਖੜਾਓ ਖੜਾਓ ਖੜਾਓ। ਉਹ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਓ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋਨੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਰੱਖ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਟਾਂਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਆਣਾ ਦੁਆਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਫਿਰ ਲਈ, ਚਾਰ ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਾਂ
ते नाले एक बड़ी खुशखबरी है, एक नेक बंदा बनिया सानू मिलिया है, वह कहता पुत्र नू इत्थे लियाओ। हाँ जी, कहता यह कम ए मतलब का नहीं, जो असी बोझा चकीए तो उन्होंने उत्थे लिया। कहता चलो बहुत वधिया, गुरु का वाहगुरु की शुकराना असी करिए। हाँ जी, कोई तो अपना बनिया उतो चल पाए। सवेरे उठे, मूँह धो के, इन्हों बड़ी जल्दी सी, दिल के अंदर रही हनुमान सिंह कि असी यार वो कोल पहुँच जाइए, असी वो कोल पहुँच जाइए। बोला उठिया तो फटाफट नहा धो के पहुँच गया वो कोल। उत्थे जिस वेले पहुँचा तो उन्हें दो कप चाय मंगाई बनिए, नहीं तो उन्होंने चाय पिला के उन्होंने कहा कि भाई पुत्र तेरा नेक है, मैं इनू 300 रुपया देंगा, 100 रुपया देना इनू मैं सफाई का, इनू सवेरे आना पेगा, 400 रुपया महीना हो। तो बल्ले बल्ले हो गया, 400 नए शहर के अंदर आ गए, 400 सुन गया वह दिमाग। अच्छा, सरदार का कहता यार रब ने मेरी सुन ली, मेरा बहुत है। कहते जी इतने इनू छड़ना पेगा, सवेरे इनू 8 बजे 8:30 बजे पहुँचना पेगा, दुकान की सफाइया करनिया पैनगियां, वो दो घड़े पेने ये पानी भरना पेगा, जोड़ा आए सवाली उन्होंने पानी पिलाना पेगा। हाँ जी, तो शामी 6:30-7 बजे जिस वे असं दुकान बंद करा तो चाबी अपने घर लेके जाएगा। हूँ सरदार कह लगे यार कमाल है, एक नया बंदे इन्ना विश्वास, क्या कोई तो कारण होना है। कहते भाई चलो है ना, उन्हें बनिए क्या भी बहु जी आप इतना भरोसा। कहते देखो जी भरोसा बहुत होता है, आप इतनी दूर से आए हैं, बहुत तकलीफें भी ली, तो अब आप यहाँ इसको लगाओ अपना, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आप करो या ना करो मुझे भरोसा है। हाँ जी, लड़का नेक है। उसने जी उन्हें उन्होंने चाबी फड़ाती, शामी वो अपने घर चला गया। हाँ जी, बनिया ए अपने घर चला गया। उत्ते आया तो वो माँ कहने लगी पुत्र की कर आया, कहते भाई ऐसे इस तरह की गल हुई है, कहना ये भी गुरु का प्यारा ही सानू ठग रहा है, चलो कोई तो काम ही लग गया। सरदार जी उठे अपना, फिर उ रेलवे स्टेशन से चले गए। हाँ जी, 2-3 बंद कूली बन गया, की करे उन्होंने भी तो रोटी रोटी चाहिए। हाँ जी, सी वो कूली का समान बहर रख के अपनी 2-54 जी भी कट्ठी हुई 12 ने वो लैके आ गया घर। हाँ जी, उदो पुत्र भी आ गया, कहते जी बहुत वधिया। थोड़ा टाइम गुजरिया तो किसने उन्होंने किया उत्थे कूली एक सरदार और भी सी, नहीं मोना सी वो। हाँ जी, पर हैगा मुल्तानी सी। उन्हें उन्होंने कहा कि यार तेरा मुंडा यार गबरू बहुत वधिया बोला, पर बोलता कोई नहीं, पर बंदा बहुत ही लड़का नेक है। हाँ जी यार, ये वास्ते एक साड़ी पड़ोसन कुड़ी हैगी है, कहानी वो भी सुनेगा तो आंसू आ जाएंगे, तो वो तो कुड़ी अपने मुँह बोलेगी मैं कुछ नहीं बोलेंगा। कहता यार अगर तू विह कराना तो मैं उन्होंने मुल्तानी नू आख देना, तो कुड़ी वेख लो आके। वो कह लगे यार देखो कुदरत मैनू किवें सांझ बनाती है। उन्हें घर गया तो अपनी वोटी नू दस्या गुरमीत कौर इस तरह की गल है, तो मैनू एक बंदा जड़ा उ सुपरवाइजर है या कोई है उन्हें मैनू कहा है कि भाई मेरी पड़ोसन है। कहता यार बहुत वधिया है गुरु महाराज, सानू और की देगा। कहते ये मकान तो है टुटा फुटिया है, पता नहीं किस दा है कि नहीं, सानू किधरे कट देन दे, असी किहड़े पास जावांगे, मुंडे नू कित्थे लै जावांगे। कहते वो भी रब देखेगा, असी सानू ये कमरे दिते, 2 टुटे पे ने, ज़्यादा असी कमरे च रहांगे, उन्हूं किराया दे देंगे, तो उन्हूं थोड़ा थोड़ा बना के दे देंगे, वह भी आ के रह लेगा। वो कोई आया ही नहीं, वो किसी मुसलमान का सी, मुसलमान पाकिस्तान चला गया, इधर आ गए। अच्छा जी, वो गुरु महाराज की देन मकान इन्हों ही मिल गया। हाँ जी थोड़ा टाइम गुजरिया तो वो फिर कुड़ी वाले को गए, उन्हें बस देखा कि भाई सरदार बड़ा नेक आदमी है, उन्हें वाहगुरु वाहगुरु करके हाथ जोड़े, उन्हें मिले। कहते यार मैं भी गरीब आदमी हाँ, मेरे अंदर इन्नी ताकत नहीं, यह कुड़ी पाकिस्तान तो ही है, वो किवें ओदा प्यो नहीं सी, माँ तो कुड़ी सी। जिस वेले रेलवे स्टेशन से ट्रेन के अंदर चढ़ी, गड्डी चल पई तो ए माँ जी उ डिग पई, तो इंज लग रहा वो मर गई। हाँ जी, उमरन तो बार कुड़ी इकली रह गई, तो असं भी पाकिस्तान तो आ रहे थे, तो साढ़े असी उन्हों बह फ अपनी कुड़ी अपने कोल बिठाया, तो भाई मेरी तो ए कुड़ी हुई। हाँ जी,
तो हूँ यही कुड़ी मैं लैके आया तो रब की बड़ी मेहर है, नेक कुड़ी है, रब न मनण वाली है। कहते भाई सानू तो यही चाहिए है जी रब न मनण वाली हो। कहते जी गुरुद्वारे वगैरह सारा जाती है तो पाठ सवेरे सारा कुछ करती है। असी कदे भी नहीं इन्हू क्या कहती जी मैं असं उत्थे भी करते सी इत्थे भी कर रहे हैं जी। चलो भी गुरु महाराज की देन है। कहते जी मेरे को कुछ है नहीं, तेरे को कुछ है नहीं, तो भाई किवें करिए। सरदार ने कहा भी एक ही कम करने लावे फेरे असं गुरुद्वारे कर लें तो लंगर जोड़ा कुछ पाने जोड़ा तू देना तू दे मैं माणा माँ बन जो है रब की मेहर न चाहे चवन्नी अठन्नी है चाहे पांच रुपये चाहे पंजा रुपये ने हाँ जी। लंगर पा लेंगे तो असं अठ दस बंदे जोड़े गली दे ने दो चार जने दो चार बंदे तेरे अठ दस बंदे उत्ते लावे फिर जा के अभी रोजी रोटी जी है लंगर का प्रसाद जोड़ा है वो ही खुवावे। हाँ जी वो बड़ा खुश होया कहिंदा यार इन्नी इन्नी नेक कमाई वाला है। कहिंदे जी इस तरह उदी मम्मी ने कहा भी बोले नू कहा बोला कुछ ना बोले वो तो जिवें माँ कहेगी जिवें प्यो कहेगा उस तरह ही उन्हें करना उन्हें कोई कुछ नहीं करना। हाँ जी वो विआह गुरुद्वारे चो है जी दोहां ने 51 रुपये कट्ठे करके जिवें तिवें गुलक च पाते वो तो लामे फेरे हुए। मैं तो कह रहा जिहड़े सरदार गुरुआं दे अगे लामे फेरे पाते ने उन्हां दी जिंदगी बढ़ जाती है। हाँ जी जिहड़े इंज करते ने उन्हां दे घर कष्ट भी आते ने सारा कुछ आते ने। जिहड़े गुरुआं दे कोल जा के लामे फेरे पाण उस तोड़ी ते कोई गल ही नहीं। हाँ जी हाँ जी वो जिवें तिवें वो तो लामे फेरे पाए गुरुआं कोल आए तो मुंडा मत्था टेकिया मुंडे की इन्नी खुशी हुई कि मैं कितों चलिया इतने लामे फेरे पा लिया वो भी गुरुआ के अगे। हाँ जी उन्होंने जी मत्था टेक के बाहर लिया लंगर प्रसाद खुआया कुड़ी नू अपना तंग दे बिठाया तो वह अपने घर आए। हाँ जी घर आके अपने रहा तो उहदी जिहड़ी जनानी सी अपनी सस नाल कहिंदी कि भाई तुसीं पाकिस्तान कित्थे रहिंदे सी उहने कहा भी मैं इत्थे रहिंदी आ। कहिंदी अरे तू तो उस कुड़ी दी उहदी तेरी मम्मी उह सी उह भी आंदी सी गुरुद्वारे सेवा करदी सी वो कितने उन्हें कहा भी इस तरह की गल हो सी तो डिग पई उत्थे असी गड्डी निकल रही हूँ मैं कितने मैं छलांग मारन लगी तो मैं जो प्यो मेरा बनया उन्हें मेरी बांह फड़ के अंदर खिंच लिया तो अपने को बिठाता। हाँ जी उदो बाद असी इतने आए तो मैं हूँ पाकिस्तान जा ही नहीं सकती हूँ रब ही रखा है वाहेगुरू पता नहीं की है। कहते चलो कोई गल नहीं यही असं मैं तेरी मम्मी हाँ ना क्यों टेंशन पाल दी है। कहती बस मैंने तो यही सारा चाहिए और कुछ नहीं। थोड़ा टाइम गुजरिया वो रब की मेहर नाल जी वो जी यदी सस सी नेक कमाई वाली तो हैगी सी गुरु नू बहुत मंदी सी उठना सवेरे चार बजे उठना सेवा करनी हरेक चीज़ और फिर शुरू हो गई। सरदार नू कमाई होन लगी क्योंकि वो अपना जो है जिन्ना भी काम करता सी रेलवे स्टेशन से तो उत्थे दो तीन जनी कूली सी ज़्यादा हैगी ही नहीं सन। हाँ जी एक छड़ गया जी दूजा लै गया एक छड़ गया पुत्र भी चंगे पास लग गया एदा कुड़ी उहदी जिहड़ी सस सी वो थोड़ी जी बीमार होण लगी कोई 7-8 साल बाद 7-8 साल बाद दे अंदर कुड़ी नू एक कुड़ी हुई कुड़ी वड्डी सी मुंडा छोटा सी। हाँ जी कुड़ी दा नाम प्रीत कौर सी ते उहदे बेटे दा नाम पप्पू सी। हाँ पप्पू सिंह कहिंदे सन पप्पू पप्पू ना इहदा प्यार प्यार नाल रख्या सी जिहड़ी उहदी मम्मी दा नाम सी सिमरन सी। पहले ना इस तरह ही रखते सन गुरुआ के उत्ते हरेक चीज़ उन्होंने दो बच्चे होए। सरदार बड़ा खुश होया इन्ना खुश होया कि पुछो ना कहता यार इतने आके मेरे तो वाहगुरु मिल गए ने उत्थे भी मिले सन तो इतने भी मिले। हाँ जी हाँ जी वाहगुरु किधरे गए नहीं साढ़े दिल के अंदर भी है तो साढ़े सामने भी है। हाँ जी वो थोड़ी जी बीमार होने तो बाद बेचारी चल बसी वो वाहगुरु को चली गई हूँ बड़े रोए पिटे पर हो कुछ नहीं सकता जिहड़े सासां वाहिगुरू ने लिखिया सन वह पूरियां होने तो बाद बंदा कदे भी रुक नहीं सकता। हाँ जी रुक एक निवाला फालतू नहीं खा सकता उसको तो जाने वह बेचारी चली गई। जाने तो बाद हूँ सरदार कला रह गया सरदार नूं भी तकलीफा होने लगिया कि प्रीत कौर किधर किहड़े पासे चली गई हूँ चली गई तो भाई कोई नहीं रब दा रखा है वह गुरुद्वारे जाता अपना काम करता। उहदा पुत्र भी कहिंदा हुण मम्मी चली गई हुण तुसीं इन्ना ना सोचिया करो जिहड़ी चीज़ जानी है उहदे जानी उहनूं रोक नहीं सकदे असीं। हाँ जी ते हुण वाहिगुरू दा नां जपिया करो
जिमें अस सारे जपने हाँ तो सारा रखवाला उ ही है उन्हें ही सारा कुछ करना है। थोड़ा टाइम गुजरिया सरदार अपनी कमाई करके लिया अपनी बहू न देन लग गया कि बई यह हैगा जी जरा घर चलाना चला नहीं रहा हाँ जी वो अपना जरा लेके आता सी काफ़ी टाइम होया तो भी तबीयत खराब होने लगी दो चार साल गुजर गए और छाती से दर्द होने लग गया। सरदार कहन लगा बई हूँ मेरे को बोझा चक्या नहीं जाता पुत्र मैं की करा हाँ जी क्योंकि उम्र मेरी वड्डी हो गई है तो मेरे को चक्या नहीं जाता मैं करा कि वाहगुरु ने कहना मैंने शक्ति दे पर जिनी शक्ति मैंने उन्हें दीती है शायद कोई किसी को भी नहीं देता क्योंकि असं गरीब बंदे हाँ इतने आए हाँ सुख दुख वाहगुरु के हाथ जोड़ा कुछ उन्हें करना करना और किस तरह भी तबियत दुद्धी खराब होने लगी और इन्ने पैसे नहीं सन कि मैं इलाज कर सकता क्योंकि 400 रुपये उन्होंने मिलते सन 400 रुपये ही घर चला थोड़े बहुत ले आता से अज उस वे भी 400 बहुत ईमानदारी देखा जाए तो बहुत आते सन पर दिखते नहीं सन उस वे क्योंकि खर्चे रोटी खानी है खानी दो बच्चे पालने स्कूल जाना हर एक तो वह बेचारा पप्पू कुछ कहता नहीं सी जिन्ना भी हो सके खुद ना खा के बच्चों पढ़ा सी। थोड़ा टाइम गुजरिया तो वह छाती का दर्द बढ़ गया लेटे पे सी रात 9 बजे का टाइम सी तो अपने पुत्र को बुलाता कहता पुत्र मैं प्रीत कौर को जाने वाला क्योंकि पहले जमाने जोड़े भी है सन बुजुर्ग न वाहगुरु पहले आवाज़ दे देना सी कि भाई तू जाने वाला है अपना समेट ले जो कुछ तू समेटना जो कुछ रखे वह भी समेट ले चाहे व्यापार हो चाहे वह पुत्र देना धी न देना मकान किनू देना पहले ही सैटिंग हो जाती सी हाँ जी पर बेचारे को हैगा कि सी जो समेट ले पुत्र कहना भाई मेरी तबीयत खराब हो रही मैं वाहगुरु बुला रहा वो को मिलाने वास्ते तो हूँ दस की करा मैं मेरी तबीयत ठीक नहीं कहता बापा चंद सिक्के है डॉक्टर को दिखाने कहता पुत्र कोई फायदा नहीं इस चीज़ का मैं जेड़े पास मर्जी ले जा मेरे दिन हो गए ने पूरे जिदे तेरी मम्मी गई है उनके चरणों में वाहगुरु देते भाई भी मैं भी उत जाना और किधर नहीं जाना हाँ जी। रब ने इतने तक सानू सांसा दतिया असं पूरी करके जाने तो वो जी नूह से बड़ी रोन लगी दो निके बच्चे सन वाले जेड़े पप्पू दे बेटी हाँ वो भी आ गए वो छाती से डिग पे रोन लगे कहते मम्मी रो रही है बाबा रो रहे हैं तो की चक्कर है वह भी रोन लगे तो उन्हें दो सारे गले लाया तो जे भी हाथ पाया तो थोड़े जे सिक्के निकले 16 आने अपने पुत्र को कहता बेटा दुख सुख वास्ते मेरे को है ही है मेरे को और कुछ भी नहीं जे हाँ जी मैं हाथ जोड़ के तेनों यही दे रहा प्यो जी भी कमाई रखता है पुत्र वास्ते ही करते हाँ जी हाँ जी हाँ जी उन्हें उन्हों हाथी से देता कहता दुख सुख इच यही कटने ने वरना नहीं तेरा अगर सुखी जीवन जा रहा तो इनू हाथ ना लाए दुख होवे अंदर ही सिमरन करना तो इन पैसों हाथ लाना कहता बाबा यही तो मेरे करोड़ों रुपए की जगह देती तू हाँ जी कहना की करा यही तो है कि नहीं कहना हूँ मैं बख्श दे बहु दे सिर ते हाथ रखिया बच्चों हाथ रखिया पुत्र प्यो न कदे तंग ना करना दोवों यही कहा तो अपनी नूह नू कहता भी यही सहारा तेरा है तो यदा सहारा तेरा है हाँ जी कहते जी ठीक है जी थोड़ा आशीर्वाद ही सानू चाहिए सी और कुछ नहीं चाहिए रब ने सारा कुछ दिता होया सिमरन करा सू हाँ जी पार लगाए इन्नी देर जो वाहगुरु 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 सारे कह रहे भी सब बोलो और सब वाहगुरु 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 की जाप करन लगे इन्नी देर चाहे सासा छड़ दी अच्छा जी सासा छड़न तो बाद जनू पता लग्या लाले नू लाला कहन लगे बई हूँ तो रात का टाइम है तो सवेरे वेखने पड़ोसी चार कट्ठे हो गए लाला कट्ठा हो गया बनिया उन्हें भी चक्के अपना संस्कार किया हाँ जी तो गुरुआ दे कोल चले गए उदो बाद गुरुआ नू मत्था टेकया वाहगुरु नू गुरुद्वारे तो होके जल ले आए घर के अंदर छिटा पाया तो वाहगुरु को अरदास की कि बई जिहड़ा मेरा प्यो गया है उन्हों सुख शांति दे अपने चरणों तो हटाई ना हाँ जी वो तो बाद अपना जो है और बनिया अपने घर चला गया उन्होंने कहता पुत्र तू टेंशन ना पा जो कुछ तेन चाहिए मैनू आखी वह कहता मैं क्यों मंगा
मेरा अगर गुजारा हो रहा है 400 हिस्से में 450 भी क्यों लवा। हाँ जी मैं दे जी शुक्राना करना। वो थोड़ा टाइम गुजरिया घरों निकलिया घरों टाइम मतलब हो गया 2-3 महीने हो गए बाबा जी चले गए हूँ कोई भी नहीं। सरदार जी ओदी बूटी 2 पराठे टिफिन अंदर पा के देते सी डेली। हाँ जी और टिफिन लैके अपना चला जाता सी अपना टिफिन 2 रोटियां खा के पानी पुनी पी के ते एक चाय बंदी हुई सी दुकान दी और चाय इनू मिलती सी शाम दे वेले एदे अंदर नेक कमाई सी के गुरुद्वारे मत्था टेक के शीश गंज गुरुद्वारे मत्था टेक के उदो बाद घर आंदा सी ते पैदल जांदा सी ते पैदल आंदा सी। हाँ जी खर्चा रुपया दे भी नहीं वो उतों मत्था टेकदा सी खाना प्रसाद लैके घर आ जांदा सी। थोड़ा टाइम गुजरिया उन्हें 2 पराठे इनू दिते रस्ते जिवें आ रहा सी एक छोटी जी बंदरी बहुत छोटी जी बंदरी वो सरदार जी थी जड़ी पजामा पाया सी उन्हों फड़ लिया। हाँ जी कुकू 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 करन लगी ये कहता यार है तो बड़ी भुखी है भाई यार इनू अद्धी रोटी कट के दे दिया। उन्हें अद्धी रोटी कट के दीती तो बंदरियां का काम की एक पासे पा देना खाना नहीं वो खाना है बाद विच उन्हें क्या यार है बड़ी भुखी है ते खा गई उन्हें अद्धी और दे दी। हाँ जी उन्हें दूजे पासे पाती बंदरी ने चढ़ गई है उत्ते इन्नी देर च सामने कुत्ता आ गया। हाँ जी कुत्ता दोनों टंगा उत्ते करके जबान करके इंजन करन लग गया इंजन करन लग गया तो वो बड़े सोचन लग गया यार ये भी भुखा है। हाँ जी उन्हें अद्धी रोटी कुत्ते ने कुत्ता खा के साइड हो गया। हाँ जी इन्नी देर जो बिल्ली आ गई म्यों म्यों कर दी वो भी छोटी जी। हाँ जी वो कहते यार ये भी भुखी है उन्होंने भी अद्धी रोटी देती। अच्छा टिफिन हो गया खाली वो बंदरिया फिर चिपके वो कहता भैया देख ले मेरे को कुछ नहीं दे। अच्छा खाली हो गई जी मैं उठ झाड़ दे। हाँ जी बंदरिया चढ़ गई तो बिल्ली इस पास चली गई कुत्ता उस पास अपने निकल गया। अच्छा जी वो जाने तो बाद उन्हें 5-6 गिलास पानी दे पी लाए हूँ रोटी नहीं है लंगर कुछ नहीं यार बजे का टाइम हो रहा खाधा कुछ नहीं सवेर का काम हूँ अपने उन्होंने तो कह नहीं सकता कि मेरे वास्ते कुछ ले आओ उन्हें चाय पीती सी कली तो उन्हें 5-6 गिलास पानी दे पी लाया गुजारा कर लिया। गुजारा करन तो बाद वो गुरुद्वारे गया गाना प्रसाद लिया खा के अपना चल पिया घर आया। घर जाते ही ओदी बूटी कहती है किवें रहा कहते अज मेरे को कुछ पूछना मैं सवेर का कुछ नहीं खाधा कहते हैं कुछ नहीं खाधा किवें वो कहते जी एक बंदरी आ गई कुत्ता आ गया एक बिल्ली आ गई मैं उन्होंने खाता वो भुखे सन कहते वह भुखे सन तू भुखा नहीं है तेनू कौन किन्ने खुआया वो बेचारे उन्हें उन्हों गल सुन के वह भजी भजी गई रसोई रसोई वाहगुरु की तस्वीर लगी थी गुरु गोबिंद सिंह की तस्वीर थी। हाँ जी वो अगे खड़े हो गए नमस्कार करके वाहगुरु नूं कहंदी है मेरे वाहगुरु ये क्यों जे सरदार मैनू दिते ने 2 प्रसादे दिते ने वो भी गऊं तो फलाणा खा के आ गया तो इन्हें तो कुछ खाधा ही नहीं बई सरदार नूं चंगी सुमत दे गुरु महाराज तो वो मतलब अपने लायक सानू बना दे इन्नी सानू शक्ति दे कि जड़ी असी इन्हों भी दे सकी है। हाँ जी हाले साढ़े को ताकत नहीं वो आई सरदार को फटाफट सब्जी उन्हें बनाई दी छोटे जे कटोरी सब्जी लियाई कहती है सब्जी खा लो रोटियां हूँ मैं बनानी हाँ तो बाद खाने पहले तो खा लो उन्हें खा ली खाने तो बाद पानी का गिलास पिया सरदार जी ने थोड़ी जी ठंडक पै गई कि भाई चलो कुछ तो पेट ही गया। हाँ जी सवेरे उठिया उन्हें फिर 4-2 पराठे दिते कहते भाई मैं आज हाथ जोड़नी हाँ सीधे ही चले जाना सफाई करके तो 2 रोटियां जरूर खा लेना। हाँ जी इतने तुम अद्धा कप चाय पी के जाते हो दुध भी मेरे को लेने आया नहीं कि मैं चाय बना लवा। हाँ जी कहती है थोड़ी जी चाय थोड़े बाकी बच्चों वास्ते तो मेरे वास्ते तुम पी के जाओ निकल आया रस्ते फिर वही तमाशा हो गया। हाँ जी वो बंदरी इंतजार करती पी है कि आवे तो मैं फड़ा अच्छा उन्हें फिर फड़ लिया तो उन्होंने फिर अद्धी रोटी देती अद्धी रोटी अद्धा तो अद्धी रोटी अद्धा कुत्ते अद्धी तो बिल्ली अद्धी। अच्छा जी उस बाद फिर वो चला गया कहता यार अज तो बड़ी कमाल की चीज़ है हूँ मैं करा कि मेरे को तो कुछ आई नहीं फिर उन्हें पानी का गिलास पीता तो चाय पी ली तो फिर गुरुआ को चला गया तो गुरुआ को प्रसाद लेके घर आ गया। हाँ जी घर वाली कहती अज क्यों रहे अज पराठे खाते ने वो कहती है भाई कितने पराठे वो तो फिर आ गए वो फिर बजी गई गुरुआ को रसोई
वो कहती है बाबे तू है की करता, वो इन सरदार जी ने कुछ समझा, हाँ जी। ए भोला जा भोला ही रह गया, कुछ तो कर साढ़े वास्ते, ए फिर बिलिया कुत्तिया खुआ के आ गया। हाँ जी। कहती है रब न हाथ जोड़ के फिर बिनती कर दी है, रब न कहती है कि भाई रब सानू कुछ ना कुछ चंगी रोजी रोटी बना ताकि असी तेरे को असी किसी और बंदे को हाथ नहीं पिला सकते, तेरे हाथ पिलावे। वो जिवे तिवे सवेरा होया, भी गरीब बंदा वो कितने ताकत है, वह बहुत जी दूजे पासों निकल गया, कहता यार मेरे अंदर शक्ति नहीं। फिर घर में कलेश भी ना कद आने तो वाहगुरू कहती है कल कोई यह जी गल हो तो मैं मजबूरी इंसान की होती है घर भी चलाना। वो दूजे पास जान लग गया, उत्थे पहुंचे सफाई सफूई करके गुरुद्वारे जाता आ जाए। इनू प्यो की याद आई, प्यो की याद इस तरह आई कि उहदे प्यो ने इनू कहा सी कि भई कदे भी तेनू कोई कष्ट आवे या कोई चीज़ आवे मैनू याद कर कर लई। हाँ जी। तो मैं तेरे अगे हाजिर होवांगा तो मैं वाहिगुरू को इजाजत लेके आवांगा। इन्हें वो गठबंदी हुई सी कि भाई कदे भी सवेरे होया तो बनिए ने एक दिमाग लाया, कहिंदा यार हुण सरदार जी कोल है नहीं रोजी रोटी का कोई रस्ता है नहीं, तो कदे बेईमान ना बन जाए सरदार, तो यार परीक्षा तो लेनी चाहिए है क्योंकि सवेरे आंदा है थान इन्हें पहने कपड़े दे, एक थान भी अगर मेरा चला गया तो मैं नहीं पता लगेगा। हाँ जी। हाँ जी। तो थोड़ा जहा यार ए परीक्षा लेने कोई बुराई नहीं करता पे मैं। हाँ जी। और जिम्मे दुकान बंद की तो उन्हें थोड़ा दो तीन नोट छटते, मतलब अंदाजा 100 रुपया। हाँ जी। उन्हें उत्थे छटता अपनी गद्दी से, दुकान बंद कर चला गया। सवेरे आया, सवेरे इन्हें सफाई वफाई की तो वेखे नोट, मगर भोला सच्चाई ईमानदारी, उन्हें वो चके तो उन्हें गिनती नहीं की थी, एन जी मोड़ के पहले 50 का नोट 100 का नोट बड़ा वड्डा होंदा सी, एक 50 का नोट सी बाकी छोटे नोट सन, उन्हें 50 के नोट विच सारे पैसे पाए तो वह गद्दी दे थले रखते। हाँ जी। जिसले वो आया तो वह थले गद्दी तो उत्ते रखते, और जिवें आया बनिया अंदर आया, अंदर आंदे कहिंदे यार ये नोट कितने किहड़ी की माल वेचे ही, वो कहते जी मैं वेचे कोई नहीं मैं सफाई की है मैं नोट मिले ने, वो दे गले लग गया, कहता वाकई ईमानदार है, कहता लै उन्हें 100 रुपया इनू दिता, कहता कुछ बच्चों वास्ते लै जाए, चलो जी बच्चों वास्ते लै जावे, हूँ वो मना तो कर नहीं सकता सी, उन्हें हाथ जोड़े 100 रुपये ले लिया, कहता आज बच्चों वास्ते मैं कुछ ना कुछ ले जावा। वो हमेशा गुरुद्वारे तो होके फतेहपुरी आता सी। हाँ जी। फतेहपुरी संतरा भी विकता सी, केला भी विकता सी, अंब भी विकता सी। हाँ जी। वो उत्थे आया तो एक मुसलमान बैठा सी, उन्हें कहता मैनू 6 दाने संतरे चाहिए, वह कहता तू जा यार जा, रोज़ आ गया इतने खड़ा होना, कदे ले भी है नहीं मेरे को। हाँ जी। रोज़ आ गया खड़ा होना, पता नहीं की वेखना है, टोना करना है क्या मैनू, वह कहता नहीं अज मैं चाहिए। हाँ जी। मैं बच्चों अज तक संतरा नहीं खवाया, अज तक मैं केला नहीं खवाया, तो मैं हाथ जोड़ना तो मैं दे दे। उन्हें 6 उदेज पाए, पैसे दिते, इन्नी देर अगे गया तो रेहड़ी वाला खड़ा जी बहुत वधिया केले सन। हाँ जी। वो उन्हें 6 केले लाए, कहता है बहुत ही एक चीज़ दसो तुम रोज़ इतों जाते हो 5-7 मिनट खड़े होते हो, अब तुम केले ले रहे हो किस वास्ते ले रहे हो, पहले कदे तो लिया ही नहीं, कहता मेरे बच्चे ने छोटे अज गुरु महाराज ने सुन लिया वाहेगुरू ने, अंब भी लिया उन्हें 2 दाने अंब लाए, वो तो लैके थैली पा के छलांगा मार दे घर तक पहुँचा। घर जिस वेले पहुँचा तो बुआ बंद सी। हाँ जी। वो जोर जोर दी खड़कांदा रहा, उसकी सिमरन खोल सिमरन खोल सिमरन खोल, और जिमें जिमें बोलता रहा उसकी वोटी अंदर सी बाथरूम। हाँ जी। वो कहती आवाजा दे जा रहे, आवाजा 2 मिनट रोक नहीं सकते, और जिमें खोलिया तो हाथ च केले दे, कहता तुहानू शर्म नहीं आती इन्नी देर दी मैं अंदर हैगी हाँ, तो कुछ तो समझ लिया करो कि तुसी ते बुए नू खड़कान लगे हो, लोगों नू दसन लगे हो मैं इन्ना प्यार करना सिमरन नाल, कहिंदा हुण मैनू अंदर ते आण दे वड़ जा हुण अंदर। ओ अंदर आ गया, अंदर आंदे ही उन्हें टेबल पई सी उहदे उत्ते शादी का कार्ड पिया सी, उन्हें कार्ड वेखे तो बड़ा खुश होया, कहिंदा कार्ड किने दित्ता,
बड़े सालों बाद असी कुछ ना कुछ खावांगे। हाँ जी सरदार वो कट कहते पूजा की कुड़ी का ब्याह है, कहता फिर तो चलना पेगा। कहनी मैं नहीं जाना, कहनी क्यों, मैं जाना ही नहीं। 26 साल के अंदर तू मैनू कहा कि मैं राणी बना के रखागा, यही राणी बनानी। मेरी माँ ने मैनू 1 साड़ी के 3 सूट दिते, तेरी तू मैनू नहीं दवाए, तेरी माँ ने मैनू 3 सूट दवाए। तो मेरे को वस्त्र तो है ही नहीं, मेरे बच्चे तो फटे कपड़े ने जोड़े स्कूल लै पा के जाते हैं, तुहाडे कोल कोई कपड़े है नहीं, तो हुण तुसीं विआह ते चलोगे तुरपाइयां मार मार के, तो मैं गुरुद्वारे जानी हाँ, तो अज तू मैनू कहना है कि भाई तो विआह ते चलना है, भाई मैं विआह ते नहीं जाना। बची गई रसोई बाबे नूं कहन लगी, भाई बाबा जी मैं हाथ जोड़नी हाँ, मैं विआह ते नहीं जाना, सूट मेरे को है नहीं, कपड़े मेरे को है नहीं, मैं की करा। हाँ जी हुण बड़ा चिंता जी लग गया, तो वो कहन लगे चलो कोई गल नहीं संतरा खा लै। कहिंदी मैं नहीं खाना संतरा, सुनते नहीं पे, लै जाओ पता नहीं कितों अज संतरे लैके आ गए नहीं, कितों आए पैसे, सूट वास्ते पैसे नहीं हैं, बच्चों वास्ते पैसे हैं नहीं, अपने वास्ते पैसे हैं नहीं, संतरे ले आए जी, अंब ले आए जी, केला ले आए जी, अस नहीं खाना कुछ भी। तो बच्चे कदे किसी ने वेख्या ना होए, वो बच्चे बजे आए, केला तोड़ के दवा जड़े एक एक लै के बच गए। हाँ जी उन्होंने अपना खा लिया, थोड़ा टाइम गुजरिया, शाम का टाइम होया, फिर वो कहती है कि भाई मैनू दसो मैनू सूट दवाओगे नहीं दवाओगे। वो कहती भाई हाथ जोड़ के सूट दवावगा, चिंता क्यों करनी है। अच्छा तू हूँ संतरा खाना, कहती मैं कुछ नहीं खाना, सूट मैनू चाहिए है, पै रहन दो इन्हों फ्रूटा मैं नहीं खानी। वो कहता भाई तू खा तो लै, रब ने चाहे तो वह भी बन जाएंगे। हूँ वोटी कह दे बैठा, कहते तुसी भी कपड़े बनाओगे। हाँ जी हाँ जी पूजा के विह से ता जावगी, बच्चों के भी बना, चिंता ना कर, हूँ कह तो बैठा हो हूँ करे की मुसीबत का मारा। वो किमें भी थोड़ा टाइम गुजरिया, वोटी फिर वह सिर खाण लगी कि भाई तुम मैं क्या सी ना हूँ कपड़े दवाओ। कहता यार वो इस तरह करी कमला नगर तो मैं तेन कपड़े लैके, मैं कमला नगर तो नहीं लैना। हाँ जी कहते फिर कितों लेने, कहते मैं तो करोल बाग तो लेना, उत्तर छोले भटूरे भी बहुत वधिया ने, पूजा की माँ मैंने कहती थी। हाँ जी कि चटकारे मार के तो तू छोले खाएंगी, हाथ चटती रह जावगी, इन्ने वधिया छोले ने। वो कहता मेरे प्यो और तू छोले भी खाएगी कपड़े भी लेगी, चल भाई वो भी वेखांगे। रात का टाइम होया, उन्हें रहा ना जाए, उन्हें अपने प्यो की गल याद आ रही थी कि मेरे प्यो ने मैं कहा दुख सुखी मैं याद करेगा तो मैं जरूर आवागा। हाँ जी तू मैं एक बार याद करके वेखी, मैं वाहगुरु घरों छुट्टी लैके आवागा, आवागा 2-4 मिनट वास्ते। और राती गया रसोई तो बाबे नूं हाथ जोड़ के कहिंदा बाबा जी मैं अरदास करना, अज मेरे प्यो दे दर्शन होने चाहिए। इन्ना कह के गुरु महाराज नूं वाहिगुरु वाहिगुरु कह के अपने हाँ जी सीट ते आके सो गया। रात का टाइम होया, 4 बजे का टाइम सी, उहदा प्यो आंदा कहिंदा बोलिया मैं आ गया। वो अखां बंद सन, वो कहिंदा मैं आ गया। कहिंदा पुत्र की गल हुई है, की तकलीफ हुई है तैनू। कहिंदा बाबा तकलीफ कोई भी नहीं, मेरी वोटी कहती है जी सूट लै दो बच्चों के नहीं है नहीं, मैं तां तुहानू याद किया। कहिंदा पुत्र एक गल दसा, हर महीने 1 किलो चावल जड़ा ना गुरुद्वारे लंगर ही पा रहे। ओदी अखां खुल गईआं, कह की मैं की पुछिया की कह के चला गया। हाँ जी वो कहिंदा यार उठ के बह गया 4-5 दे कि नचारे भी खाए। मैं पिता जी कह रहा मैंने यह तकलीफ है, वो मैं वो तकलीफ दे के चले गए कि 1 किलो चावल हर महीने लंगर ही पा के आया। तो बोला बंदा की समझे की है थे, की नहीं है थे, अस भी नहीं समझ सकते, यह वाहगुरु जानता है। उन्हें अपनी वोटी ने सवेरे कहा कि भाई मैं वाहगुरु ने कह के वाहिदा बाबा जी ने मैं कहा कि भाई मैनू प्यो के दर्शन करा दे। हाँ जी कहते कितने प्यो कितने कितने बापू कितने बाबू कहते इतने थोड़ी ना मैं रात सुता आए सन, बल्कि पता की कह के गए ने 1 किलो चावल हर महीने लंगर ही देने ने। हूँ दस मैं किड़े पास जावा, मेरे को पैसा तो है नहीं, मैं की करा, बच्चों को पालीए असी खाइए तो 1 किलो चावल। कहती टेंशन ना पालो, तुहानू 1 किलो चावल मिल जाना, घर ही चाहते ने ना चावल, बस टेंशन क्यों पा दो, तुहानू 1 किलो चावल मिलना है। वो बड़ा खुश होया कहते यार 1 किलो चावल मिलना।
उन्हें एक टाइम के चावल बनाने छड़ते जड़े चावल से वह कट्ठे कर लग गई। हफ्ते के अंदर वो जिस चार टाइम बनाती थी दो बारी चावल बनाती थी इन्हें चावल कट के फिर रख देती थी। एक किलो चावल कट्ठे हो गए उन्होंने क्या भी ले थैली गुरुद्वारे से। हाँ जी वो जिस वे पहली थैली पाल लग्या तो एक गिरधारी लाल सिंधी सी वो ब्रोकर सी वो पूरे चांदनी चौक के अंदर पैसा सबनों देता सी ब्याज बट्टे थे। हाँ जी वो ए दुकान पर बनिए दुकान पर जाता सी पानी यही पिलाता सी। उन्हें जिस वे चावल की पोटली पाई तो गुरुद्वारे गया तो गुरुद्वारे जिस वे थले उतरे तो गिरधारी लाल खड़े ने कहते बोलिया तू कि पास कार मत्था टेक के मैं जल्दी जल्दी जाना यार टाइम बड़ा हो गया बच्चे डीकते होने। हाँ जी कहता दो मिनट का टाइम दे यार मैं तेरे नाल चला ना क्यों टेंशन पा लिया मेरी गड्डी हैगी है स्कूटर है जो स्कूटर से बह के अभी फटाफट तेरे घर छड़ दा वहाँ। कहता नहीं यार तू मत अंदर जाएगा मत्था टेक कहता दो मिनट उन्हों उत्थे खड़ा होना पे क्योंकि उन्हें इन्नी जिद की कहता मैंने चाय नहीं पिलानी शर्माना वो स्कूटर से बह के गए तो वो बेटी वोटी ने कद मेहमान कदे वेख्या नहीं जिमें दरवाजा खुलिया तो वो बेटी कहती है कौन कहते जी उन्हें पेरी पौना क्या वाडा तो है गिरधारी लाल। हाँ जी पोरी पौना किता उन्हें जिस वे घर वेखा तो चार बर्तन भी पूरे नहीं पाए बड़ा अफसोस है उन्होंने कहता यार तू कि टाइम हो गया सरदार को कम कर बनिए को कम कर दे यार काफ़ी टाइम हो गया मैं कम कर दे मेरी मम्मी इतने गुजरी मेरा प्यो इतने गुजरिया। हाँ जी मेरे निके जे दो बट्टे ने हूँ मेरा 15 साल का मुंडा हो गया है 17 साल की कुड़ी हो गई है। हाँ जी कहता यार वो तो मैं भी वेखता पाया घर किमें चलता होना 400 रुपया कहता बस टेंशन ना पा मैं बैठा। हाँ जी उन्हें उन्होंने कहा कि तू टेंशन ना पाल मैं इतवार को आवांगा मेरी वोटी तो मैं आवांगा। वह इतवार का दिन होया वह कहते यार वो को दुध इन्ना है ही नहीं सी दो जने जी चाय बने उन्हें थोड़ा जहा पानी जिमें तिवें बना के 2 कप चाय लिया उन्हें चाय पीती बहुत हल्की चाय सी मगर जी मिलती है प्रसाद समझ के उन्हें पी लिया। पीने बाद वो कहने लगी बाबी मैं तो हूँ चलिया इतवार को आवाना अपनी वोटी ने कमला वो वोटी सी उन्हें जाके उन्हें सारी कहानी सुनाई कि भाई यार गरीब बंदे ने मैं तो वेख्या। हाँ जी खाने वास्ते भी इन्हों को कहते ठीक है असि इतवार चलोंगे इतवार होया। हाँ जी सिंधिया की कढ़ी मशहूर है उन्हें कढ़ी बनाई। हाँ जी तो प्रसादे पाए तो चावल बनाए। हाँ जी हाँ जी अचार पाया वो लैके टिफिन लैके ये घर की वोटी कमला तो गिरधारी लाल दोनों आ गए वो नाल मिले गल् वादिया हुई कहती है कि लिया कहते जी है लंगर प्रसाद है वाहगुरु तो तुम खाओ मैं भी वाहगुरु को बड़ा मनती हाँ। हाँ जी उठते बैठते मैं वाहगुरु के सिवा किसी को नहीं मनती सिंधी है गया सी पर तू भी मननी है रसोई में मैं वेख्या हूँ प्रसाद है रसोई भी चला तो बच्चों भी खा तू भी खा असं भी खावे। हाँ जी और सारे ने वो लंगर प्रसाद खाता और बेटी कहती है भाई आज तक असी कढ़ी खाधी नहीं सी कहती ये सिंधी बनाते ने और कोई नहीं बना सकता। हाँ जी कहती शुक्र है बाबे का वो कहती थोड़ी जी तकलीफा ने साढ़े को वाहगुरु ने बड़ा पैसा दिता है सानू कोई कमी नहीं ते उन्हें 5,000 कट के उदी बोटी ने कुड़ी दे हाथ रखे। हाँ जी कहते 5,000 वो वेख के राणो 5,000 400 तो उत्ते नहीं 5,000 तो बहुत वोटी चीज है। हाँ जी कहता इस तरह 5,000 है कहने तेरे पुत तेरे आदमी नू चानी चौक जाता आता रहा उतो ले लो सूट तो जड़ी चार भाई है ना इतने सूट ला दें। हाँ जी उसका दिमाग खुल गया कहती सूट तो मैं पाला यह सूट कितों आ गए कहती 5,000 ले लें तो उतो सूट लियाए गिरधारी लाल नाल चले जाएंगे तो 8-10 सूट 15 सूट 20 सूट जिन्हें आन वो सूट लिया। हाँ जी तो इतने रख दो सूट तो गुरु महाराज की देन सूट विक जाएंगे तो कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी वह भगवान की कृपा नाल वो
सूट ले आया। सरदार कहता यार 5000 रुपये मैं देने नहीं, 5000 वो कहता यार देने मैं तेरे को लेने नहीं, पर यह चीज़ पहले सुन, जिस वे कमाई हो ना मैंने दे दी, अज तू है नहीं तो मैं तेरे को कोई ब्याज नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना। हाँ जी। तो तू सूट लिया चारपाई दे रख के गली मोहल्ले के अंदर बेच, अगर दो पैसे तेन बच जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने दे दी और बोल। हाँ जी। वो बड़ा खुश होया कि चल यार मददगार एक वाहगुरु ने भेजता। वो गया चांदनी चौक सूट बूट लिया उन्हें 20-25 सूट लिया, गली जाए पूजे की कुड़ी का ब्याह सी। हाँ जी। वह उतों निकली तो कहती है सूट का देख किधरों आए ने, वो कहते मैं जा ही रही सी सूट लैन अज तो तू सूट ले आई है भाई ये किन्ने सूट ने, वो कहती 25 सूट ने, कहते भाई 15 सूट तो मैंने दे, मैनू भी चाहिए मेरी कुड़ी भी चाहिए मेरे सस न भी चाहिए मेरी बहू न भी चाहिए है तो यह सूट मैं दे। उन्हें छांट के सूट अंदर रखते कहने किन्ने पैसे तो मैं ले के आनी है तेन दे देनी है। उन्हें बहुत जी 20 रुपये सूट फालतू लिया, 20 रुपये बहुत वही चीज़ सी जेडे बंदे उन्हें 20 सूट तो उन्हें पैसे को लैन लैन तो बाद 5 सूट एक सूट उन्हें अपने वास्ते रख लिया तो 4 सूट फिर विक गए शाम तक। हाँ जी। हूँ सवेरे सरदार जी कहते फिर सूट लियावे और रोटी तो मिल गई। उन्हें की किया वो 5 रुपये सूट कट के गुलग पाना शुरू करता। हाँ जी। सरदार जी दे कहते जी ये 5 रुपये सूट गुरु देने मेरे नहीं है, अब सू 15 रुपये सूट बहुत आंदा है सू जो रुपया नहीं मिलता से 15 रुपये सूट मिल गया। हाँ जी। उन्हें अपनी गुलग रखिया, थोड़ा टाइम गुजरिया वो फिर सूट लिया है, फिर सूट लिया है, फिर गिरधारी लाल बड़ा खुश कि यार मैं नहीं तेरी हेल्प की, हेल्प करने वाला वाहगुरु है। हाँ जी। जिन्हें तेनू इन्ना कुछ दिता है, कहना चलो बई, कहना यार हूँ मैं चांदनी चौक की दुकान पानी है बनिया, कहता जी मेरे कपड़े बेच। उन्हें भी उत्थे थान रख लिया, वो थान भी बिकन लगे, कोई सूट लेवे कोई पजामा लेवे कोई वो भी कुछ ना कुछ देने लग गया बनिया। हाँ जी। उन्हें पैसे कट्ठे कर ले ते उहदे चो चावल भुलिया नहीं कि मैं चावल नहीं देने गुरुआं दे घर, वो हर वाले 1 किलो चावल लैके लंगर आलिस दे के आता सी। हाँ जी। थोड़ा टाइम गुजरिया मतलब गुरु महाराज की देन हुई वो उत्ते पैसे 4 कट्ठे होए, इन्हें चांदनी चौक जी जी गुलक सी उहदे चो थोड़े बहुते पैसे कढ़े ते वाहिगुरु दे अगे अरदास कीती कि वाहिगुरु मेरे को इन्नी शक्ति दे जड़े पैसे हैं मेरे को तो बाकी थोड़े पैसे मैं तेरे लेने तेनू वापस पा दवा, तेनू मेरी शक्ति देनी पेगी। तो गिरधारी लाल कहता इन पैसों हाथ ना ला, तेनू 10,000 और दिन, कहता भाई मैनू इन्नी शक्ति नहीं है कि मैं 15,000 मोड़ दवा, कहता तू टेंशन ना पा, 15,000 जी तू वापसी करनी है वो मैं बाद ही जो देखांगा, फिलहाल तू 10,000 ले चल मेरे नाल मैं तेनू दुकान ले देना। इन्हें दुकान ली उत्थे दुकान खोली, रब ने इन्नी सुनी कि वो अंदर भी इन्हें गुलक रखी कि यार इस गुलक के अंदर मैं पानी पाने ने जोड़ा सूट विके मैं वो पाने ने, वो गुलक एडे सारे पैसे कट्ठे हो गए गुलक के अंदर भी एडे पैसे, जब वो गुलक के अंदर बरकत आ सकती है तो सरदार को कि बरकत आई होनी है भोले को। हाँ जी। हाँ जी। वो इन्नी भोले को पैसे कट्ठे हुए हूँ, वो कहता यार गिरधारी लाल एक दस मैनू दुकान तो मेरी बन गई, रोजी रोटी भी मेरी शुरू हो गई, सच्चे पातशाह इतने भी है मेरे नाल ने, तो मैं सवेरे इतने आना मत्था टेकना उत्थे जाना मत्था टेक के तां मैं घर जाना, बच्चों वास्ते जरा मैं कुछ नहीं लैके जाते हूँ मैं कुछ ना कुछ लैके जाना। हाँ जी। कहता हूँ दस की है, कहता यार मेरी कुड़ी बड़ी हो रही है कुड़ी नूं मैं किवें करा, कहता यार इत्थे हूँ असीं सिंधी हैगे आ सिंधियां तू करें सिंधियां करेगा, कहता यार मैं तो सोचा सरदारा के घर हो गए मदद कर सकना तो यह कर दे। उन्हें घर गया अपनी वोटी नाल गल की उन्हें कमला नाल, तो कमला कहती है बस साढ़े इंग्लैंड के अंदर जड़े ने ना रिश्तेदार है ने पर है सिंधी, असं उन्होंने अपील कर दें। हाँ जी। कुड़ी अगर चंगे पासे चली जाए बल्ले बल्ले हो जाएगी, हूँ तो ये को भी 4 पैसे है। हाँ जी। कर भी सकता हर एक चीज़ कर सकता है, दुकान तो बाद बरकत ही बरकत ने वो तो शुकराना ही नहीं हटा सकती वो बोटी। हाँ जी। 24 घंटे रसोई दे जाके खड़ी होंगी है, सूट जड़ा बहुजी है बना के पाती सी ना गली वाले नज़ारे फेंकते सन। हाँ जी। विह भी वो हो गया पूजा की कुड़ी का
बहुत वधिया होया। उत्थे भी उन्हें दो तीन सूट दिते सन कुड़ी नूं शुकराने वास्ते, मतलब उहदे कोल पैसों की कमी हो नहीं सी। उन्हें सवेरे ही उठदे ना टेलीफोन किया अपने रिश्तेदारों नूं भी, इस तरह की गल है, कुड़ी बहुत सोहनी है, साफ सुथरी कुड़ी है, घर पूरा चलाने वाली है, पढ़ी लिखी है, हाँ जी, तो उहदे वास्ते वर चाहिए आ, चाहिए सरदार है। कहिंदे हाँ क्यों, वो इन्ने सारे गुरुद्वारे के अंदर सरदार उत्थे आते हैं, इन्नी सेवा आती है, साड़ी इन्नी पहचान कदन कम आएगी, तो मैं उन्होंने कह के वेखनी हाँ, कोई ना कोई तो वाहगुरु का प्यारा मिल ही जाना। हाँ जी, वो कहिंदे देखो जी, उन्हें गलबात की, दो दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट इस तरह आया कि उत्थे एक सरदार सी पैसे वाला, बहुत पैसे वाला, अनगिनत वो को आया। हाँ जी, वह कहता भी मैंने को कुड़ी की फोटो मंगा गए, तो उन्होंने फोटो मंगा के भी कुड़ी फोटो वेख के वो तो हैरान हो गए कि असी तो मुंडे को भी दिखाया गया। कहता वाह जी वाह, बाबा तुम जिमें कहोगे मैं उस तरह कराँगा। हाँ जी, हूँ इंग्लैंड के रहन वाले उन्होंने एकदम इस तरह क्या गुरुद्वारे गए, प्रसाद चढ़ाया, मुंडे ने भी प्रसाद खाधा, घर आए, वो वोटी कहती है दिल्ली चलो। वो कहते दिल्ली चलीए, उन्होंने इतने क्यों ना मिला जी, कहते नहीं शक्ति होवे इन्हें ना हो, साढ़े को रब ने बड़ा कुछ दिता हुआ। हाँ जी, असं चलें मुंडा तो कुड़ी, मुंडा तो वो मम्मी तो सरदार जी, वो तीनों ही दिल्ली उतरे एयरपोर्ट पर। हाँ जी, गिरधारी लाल को फोन आया, गिरधारी लाल कहता जी मैं आ रहा तू लैन, वो बेचारे आन ना आन बोला है, कदे दूजे पास निकल गया तो लभदे ही रहेगा कि तेरे एयरपोर्ट है। हाँ जी, वो बेचारा गिरधारी लाल गए उतो बह के ले आया उन्होंने, इतने आए तो उन्हें उन्होंने घर लै गया, घर वेख्या तो भाई घर ठीक ठाक है, दुकान वेख्या, कहते जी तुम कितने, कहते जी पाकिस्तान, तो उन्होंने सारी कहानी दस दी सरदार, कहते जी आप तुम टेंशन करो, कुड़ी वेख के बल्ले बल्ले हो गए, कहते जी हूँ चलो जी मत्था टेकना है गुरुद्वारे। वो कहता बहुत ही पहले गलबात, तो कहता कहती गलबात, कोई गलबात नहीं है, चलो। वो बेचारे गुरुद्वारे आए, शहीद गुरुद्वारे मत्था टेकया, क्योंकि वो प्यो की काफ़ी मन्नत सी जरा सवेर तो लैके। हाँ जी, शामी उत्थे मत्था टेक के आता सी, उत्थे गए मुंडे ने भी उत्थे ही, मतलब उन्होंने पसंद किया, सारा कुछ किया, कहते असं विआह इंग्लैंड ही चला गए। वह कहते जी इंग्लैंड तो असं आ सकते हाँ, पर इन्नी दौलत साढ़े को है नहीं। कहते यार दौलत की तो कोई कमी नहीं, आप बैठा है साथ सी। हाँ जी, जिहड़ा सानू इत्थे तक बुलवा सकता है तो तुसी नहीं आ सकते, टिकटा मैं भेज देव। कहते नहीं, इन्नी तो शक्ति वाहिगुरु ने मैंने दिती हुई है। हाँ जी, कि मैं आवांगा। कहते जी मैं जांदी तुहानू दस दवांगा। उन्होंने फिर कमला नू टेलीफोन किया संजी ने। हाँ जी, कहते जी वो तो फलानी तरीक, कहते जिनी जल्दी हो सके तुम कर लो। वो थोड़ा टाइम होया, ए उतों दिल्ली तो इंग्लैंड गए, गुरुद्वारे अंदर लामे फिरे हुए, बोले नहीं, बेचारे ने प्रसाद चढ़ाया, और सरदार जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी, कुछ भी अगर तू कुछ देगा तो मेरे तो बुरा कोई नहीं, जिन्ना खर्चा वो मेरा है, तेरा कुछ नहीं। हाँ जी, कहता भाई कन्यादान करनी है, थोड़ा बहुत तो मैं देंगा ना, वो बगैर मैं किमें चलूंगा। हाँ जी, कहता ठीक है, तो तू अपनी कुड़ी नू दे, साढ़े मुंडे वास्ते ना सोची, कुड़ी नू जेड़ा देना दे, 500 दे, 5000 दे, 5 लाख दे, मैनू कोई नहीं पता, जेड़ा देना अपनी कुड़ी नू दे जा। हाँ जी, उन्हें लामे फिर हो गुरुद्वारे, कुड़ी नू जेड़ा देना सी सरदार जी ने देता। उदों बाद वो बेचारी उत्थे खुश रही, दिल्ली आ गई, फोन आते रहते सन, कमला को फोन सी वो चली जाती सी, उत्थे फोन ते गल हो जाती सी। हाँ जी, हुण रह गया मुंडा, हुण खुशियां दे घर ही चाह रही, मुंडा कपड़े का कम करता सी, पूरा संभालता सी। हाँ जी, तो गिरधारी लाल कहिंदा यार तू इहनू भी इत्थे ही करवा दे, इंग्लैंड छट परे बैठ जा दिल्ली तो। कहिंदा यार गल तो तू सही कहना, जिहड़ी भी तू मूहों गल कटी है वह पूरी हुई है, तो हुण दस की करिए। कहिंदा यार मैं फिर अपने रिश्तेदारों नूं कहिंदा मुंडे नूं भी उत्थे करवा देने आ। हाँ जी, तो तेरी धी भी उत्थे होएगी, पुत्र भी तेरा उत्थे होएगा, रब ने चाहे तो फिर अगे कोई गल बनेगी तो अस बना लाँगे। वो भी सिरे चल गई जी। हाँ जी, वो भी बहुत वधिया कुड़ी उत्थे मिल गई, क्योंकि वो कुड़ी उत्थे सी, इहदी बहन। हाँ जी, उन्हें
पापा जी ने कहा कि भाई थोड़े जोड़े मूँह गल् ने मैं अज ही वाहगुरू में अरदास ला के आवागी इत लगे इतने बड़े मुंडे अच्छे ने इतने इलाका भी बहुत वधिया है इंडिया तो भी वधिया है पर इंडिया ने सानू गुरु महाराज उत्थे भी वसया इतने भी गुरुद्वारे गुरु महाराज वसदा है। हाँ जी सच्चाइया इतने भी ने सच्चाइया उत्थे भी ने सानू रख्या उत्थे भी वाहगुरु ने की इतने भी रख्या की है। तो मैं अपने ससुर नूं कहनी हाँ तो उन्हें सवेरे अपनी ससुर जिस वेले जा रहे सन कार खड़ी सी दे नहीं दे रहे उन्हें अपनी कुड़ी ने कहिंदी की गल अज की सोचती पई है फेरी पौना किता उन्हें तो कहिंदी बाबा जी इस तरह की गल कहिंदा बस ए छोटी जी गल्लां करनी है बोलीए जा बह जा तेरा काम हो गया। वो अपने ही रिश्तेदारी मुंडा मिल गया जी उन्होंने कहने आ जाओ जी इतने जी थोड़ा पक्का हो गया वो कहते इन्नी जल्दी कहिंदा तुसीं आ जाओ बस कुछ भी नहीं लिया इतने आ जाओ। उसदार कहिंदा यार पहले भी इन्होंने हैल्प इन्नी की हूँ भी हैल्प करते पे ने यार है वैसे है तो गलत चीज़ मेरे को रब ने बड़ा कुछ दिता है यार मैं की करांगा ये पैसे किस वास्ते ने बच्चे वास्ते ही तो है। कहिंदा तुसीं आ जाओ फलानी तरीक सारा काम होके होया पे सिर्फ आके आ जाओ तुसीं वो बेचारा चला गया उत्थे गया तो कुड़ी वेखी कुड़ी बहुत सोहनी सी थोड़ा टाइम गुजरा थे वो विआह हो गया उत्थे गुरुद्वारे फिर लामे फेरे हुए सारा कुछ होया उस तो बाद इन्हें टिकटा कटाइया कुड़ी नूं घर ले आए हूँ दिल्ली जी इंग्लैंड की कुड़ी होवे इत्थे लैण काफ़ी फर्क पैंदा है इस चीज़ का। हाँ जी पर कुड़ी वाहगुरु नूं बड़ा मनण वाली गुरुद्वारे जाती नानक ब्याह जाती गुरुद्वारे जाती उस वेले भी पैदल जाती सी वो कुड़ी। अच्छा जी अपनी सस नाल वो उत्थे जाके अरदास करती है कुड़ी कि भाई मेरे पति नूं मेरे ससुर नूं मेरी सस नूं ते इंग्लैंड ही लियाओ असी उत्थे दे रहण वाले हां असी खुश रहने हां वाहिगुरू सच्चे पातशाह साडी पुकार सुन लै। थोड़ा टाइम होया साल एक होया उन्हूं भी एक बच्चा होया दिल्ली के अंदर ही तो गिरधारी लाल कहिंदा यार एक कम क्यों नहीं करना रब ने तेरे नूं बड़ा कुछ दिता है दुकान वेच चार पैसे कट्ठे कर मकान वेच ये भी कट्ठे कर चला जा इंग्लैंड कहते यार मैं तेन छड़ के चला जाऊँ यह तो कदे हो भी नहीं सकता जिंदगी मौत आने तक मैं नहीं छड़ांगा तेन कहते यार सवेरे गल करगा उन्हें अपनी वोटी नाल कमला नाल गल की जिस वेले कमला ने सुनिया तो उन्हें टेलीफोन किया इंग्लैंड तो वो कह लगे जी तुम भी इतने आ जाओ जड़े सिंधी सन तुम भी इतने आ जाओ इतने तो बड़े नज़ारे तो तुम चिंता ना करो पासपोर्ट बन जाना सारा कुछ होना तुम आ जाओ। वो सवेरे होया जी जिमें उठी तो वाहगुरु अरदास करके वो घर पहुँच गई कहें जी असी सारे नहीं चलना इंग्लैंड तो तुम भी चलोगे भाई की करिए वो बोला कहना मैं इनू छड़ना ही नहीं ऐसी की करिए जाना तो पैगा कहते ठीक है फिर हुक्मनामा वाहगुरु का मेरा कुछ भी नहीं जी। हाँ जी हाँ जी चलने अरदास करने लै गया तो लै गया उत्थे गए अरदास की लेखे लग गई अरदास वो आए घर सरदार जी नाल गल की बोले नाल बोला बोलने वाला ही नहीं मूँह बंद वो वोटी बोली जा रही है मूँह बंद करके बैठा हुआ बोला कहता भाई मैं कुछ नहीं पता जी मैं तेरे करने कर लै। हाँ जी गिरधारी लाल ने मकान वेचा सारा कुछ वेचा अपना भी चार पैसे है सन वो को कमी तो हैगी नहीं सी उन्हें भी अपने पैसे जोड़े सारे कट्ठे किए साल छे महीने के अंदर वो अपना इंग्लैंड चले गए। हूँ इंग्लैंड जाने तो बाद बंदा कदे हिंदुस्तान की तरफ मुड़ के नहीं वेखता उत्थे नज़ारे कुछ होर ने कहते ने असी तो वेखे नहीं भाई। हाँ जी साड़ी उम्र है नहीं असी इंग्लैंड कदे गए नहीं बाकी लोगों के मुँह सुने उत्थे जन्नत है भाई जन्नत तो साड़ी इत्थे ही है। हाँ जी गुरु के चरणों में जहाँ गुरु है वहीं जन्नत उत्थे जाओ असली जन्नत उत्थे वेखो। हाँ जी किसी ने ना भी पाया होवे उत्थे जावे जिहड़ी शरदा हैगी वो पूरी होंदी है। हाँ जी तुहाडे कारोबार के अंदर घटताई आई है कमी आई है ए वाहगुरु ने सानू भेजा है अपने कर्म करन वास्ते अगर पुठे अगे कर्म असी थोड़े बहुते करने आ उहदी सज़ा सानू इत्थे ही मिलनी है। वाहगुरु ते सानू सुच्चा करके नहा धो के क्लीयर करके अपने कोल बुलांदा है कि भाई हुण तू नहा धो लिया हुण तू आ जा मेरे कोल हुण मैं तेरे कोल पुछांगा पुत्र तू की किते जिहड़े तू कम किते ने दुख सुख वाले जिहड़े भी गंदे कर्म किते तू इत्थे ही धो के आ मेरे कोल
एवं तेरे को जगह नहीं मेरे को तू आ जा मेरे को। तो रब की मेहर नाल जी अज तो यही अरदास करने कि गलती कोई ना हो। सारे नू मैं भी हाथ जोड़ के बेनती करना कि धन गुरु नानक जरूर आख्या करो। धन गुरु नानक वो उत्थे जाके बस गए ने की होया उन्हों का गिरधारी लाल का कमला का सानू नहीं पता। हाँ जी इतने तक सानू पता सी कि गुरु महाराज उन्होंने बख्शे तो तुसी भी अच्छे कर्म करो अच्छा कारोबार करो सच्चाई वाला कारोबार करो वो खुशियाँ ही खुशियाँ। धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक।